उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने चुनावी चंदे का रिवाज शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने पब्लिक से चंदे की गुहार लगाई थी, तो अब प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत भी चंदे की पर्ची लेकर पब्लिक के बीच उतर चुके हैं। बाकायदा पैसों की कमी बताकर लोगों से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं, बेटे को चुनाव लड़ाना है, पैसे नहीं है, मदद कर दो। हरिद्वार की पब्लिक से हरदा गुहार लगा रहे हैं, वोटर से वोट भी मांग रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए नोट भी मांग रहे हैं। हरीश रावत के इस कदम को संवेदी निगाहों से देखें तो एक पिता का बेटे के प्रति पूर्ण समर्पण नजर आएगा, लेकिन सियासी मायने तलाशे जाएं तो रावत का ये कदम राजनैतिक पहलुओं पर काफी अहम माना जा रहा है। शायद इसीलिए हरदा के चंदे की गुहार पर सीधा सियासी प्रहार भी दिखाई दे रहा है। रावत के चंदे वाली रणनीति पर कौन सबसे पहले आरोपों का पुलिंदा बांधकर सिर तक चढ़ गया, यह हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, ये वही QR कोड है जिसे हरीश रावत ने जारी किया है। लिखा है, भाइयों बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पार्टी का खाता सीज कर दिया गया है। संसाधन का हमारे पास पूर्णता अभाव है। यदि आपके मन में मेरी मदद करने की भावना हो तो कृपया हरिद्वार क्षेत्र के लोकसभा उम्मीदवार श्री वीरेंद्र रावत को QR कोड में 100 या उससे अधिक क्षमता और श्रद्धा हो तो उतना आप वीरेंद्र रावत के उक्त खाते में डाल दीजिए, ताकि हमारा चुनाव अभियान धन के अभाव में न रुके। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए चुनावी चंदे की मांग की तो उनके धुर विरोधी माने जाने वाले खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार आरोपों की पोटली लेकर हमलावर हो गए। पहले वार पलटवार हुई, इसके बाद तो उमेश कुमार ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए हरीश रावत से हिसाब भी मांग लिया। रावत जी बहुरूपीय हैं बहुत बड़े। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इनका स्टिंग हुआ था और सरकार गिरी थी, ये उस समय जो 300 करोड़ रुपए सरकार बचाने के लिए खर्च कर रहे थे, 25-25-30 करोड़ रुपए विधायकों को देना चाह रहे थे खरीद फरोख्त, पूरी दुनिया ने देखा है, वो कहाँ से आए थे? बेटे के पास 14 करोड़ की संपत्ति तो उनके शपथ पत्र में दाखिल हुई है, फिर चंदा चाहिए? हरीश रावत ने बेटे के चुनाव में पब्लिक से चंदा क्या मांगा? रावत और उमेश कुमार के बीच सालों पुरानी अदावत फिर से ताजा हो गई। फिर सियासी गलियारों में उस दौर की बातें तेज हो गईं, जब पत्रकार की भूमिका में रहे उमेश कुमार के स्टिंग ऑपरेशन से हरीश रावत की सरकार गिर गई थी। रावत पर अपनी सरकार गिरने से बचाने के लिए करोड़ों रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। आरोप गंभीर था, लिहाजा हरदा को सत्ता गंवानी पड़ी। फिर उत्तराखंड में कमल खिला और कांग्रेस पिछड़ती चली गई। उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में बुरा हाल है। अब जब हरीश रावत ने चुनाव के लिए चंदे की मांग की है तो उमेश कुमार और हरीश रावत के बीच फिर से वही जंग शुरू हो गई है। मैंने कहा ना, बहुत बड़े ढोंगी हैं, अगर इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा बहरूपिया इस हिंदुस्तान में नहीं है। ये जिसके कंधे पे हाथ रख दें उसको 6 महीने बाद पता चलता है कि वहाँ पे जख्म हो गया। हरीश रावत ने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए जनता से चंदा मांगा तो उमेश कुमार विरोध में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने हरीश रावत को वो पुराना दौर भी याद दिलाया जब उनके एक स्टिंग ऑपरेशन से हरीश रावत को सत्ता से आउट कर दिया था। हरीश रावत को बहरूपिया बताते हुए उमेश कुमार ने कहा कि जिस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार संकट में थी, तब हरीश रावत अपनी सरकार बचाने के लिए खरीद फरोख्त में लगे थे। हरदा अपनी कुर्सी बचाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, 25-30 करोड़ रुपए विधायकों पर यूं ही लुटाने को तैयार थे। उमेश कुमार ने कहा कि बेटे के पास 14 करोड़ की संपत्ति है, तो फिर हरीश रावत चंदा मांगने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? बैंक खाते सीज होने के बाद चंदा मांगना कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है। कभी गोदियाल तो कभी हरीश रावत चंदा मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस चंदे वाली पॉलिटिक्स का बीजेपी के बाद अब निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी विरोध कर रहे हैं। देखना यही होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।